हेलो एंड वेलकम बैक सो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली जो एन एक्सलेंट फादर है ये टॉपिक मैं पहले बना चुका था इसको मैंने अपलोड किया हुआ था लेकिन कुछ कमेंट्स आए स्टूडेंट्स के कि सर इसमें बहुत जगह पर आवाज़ नहीं आ रही है तो बहुत सारी लाइंस ड्रॉप हो रही हैं तो फिर इसे मैंने हटा दिया और दोबारा मैं इसे न्यू वीडियो मैंने बनाया है इसके लिए ताकि आपको क्लैरिटी कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें चले हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी हम स्टार्ट करते हैं ये क्या है जैन एस्टिन ने इस चैप्टर को लिखा है दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द जैन एस्टिन फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइज एक्चुअली प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज़ अ नावल विच इज़ रिटन बाई जैन एस्टिन इट्स अ लॉन्ग नावल बट दिस चैप्टर दिस एंड एक्सलेंट फादर इट्स अ लिटिल एक्सट्रैक्ट इट इज़ डिराइड फ्रॉम दिस चैप्टर ओके एंड इट्स जस्ट गिवन इन क्लास टेंथ जेके बॉस इंग्लिश एज हेयर Okay, let's discuss uh, what's in the chapter. The title of the chapter is an excellent father, and uh, you have you must have observed that this line is just given at the end of the sentence in this chapter. So, at the end of this sentence, at the end of this uh, chapter, the title of chapter is there given. Let's watch, let's read the chapter, and let's have a look. Is it uh, this um, suitable title for this chapter? Okay, let's see. Let's uh, further discuss in the chapter. So. मे डियो मिस्टर बैनट अब इसमें कैरेक्टर होता है कैरेक्टर होता है वो मिस्टर बैनट का मिस्टर बैनट होता है और मिसेज बैनट होती है ना उनकी लड़कियाँ होती हैं जो तीन लड़कियाँ होती हैं किनकी पड़ोसी भी होती है मिसि लॉन्ग होती हैं ठीक है तो वहाँ पर एक नैदरफील्ड पार्क होती है वो बेचने के लिए होती है तो वहाँ पर कोई इनके पड़ोस समसाई की नेबरहुड में ही वो होते नेदरफिल पार्क फाइनली वो बिक जाती है उसे कोई एक इंसान खरीदता है जिसका नाम होता है मिस्टर बिंगले वो बहुत ही अमीर होता है और इसमें से जो इसकी माँ होती है आई I मीन mean, किसकी माँ इन लड़कियों की माँ होती है है ना जो माँ जो मिसिस बैनट होती है वो चाहती है कि वो अपने लड़कियों में से किसी एक की शादी उसके साथ करे क्योंकि वो बहुत तो अमीर ख़ानदान का होता है उसके बहुत पैसा होता है वो और बड़ी बात है वो सिंगल होता है वो नौजवान होता है चलिए हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि वो क्या क्या करते हैं उसको अपनी बेटी के साथ शादी करवाने के लिए लट्स राइट माई डियर मिस्टर बैनेट इसको बोलती है मेरे प्यारे मिस्टर बैनेट सेड बैनेट वन डे एक दिन मिसिस बैनेट कहती है क्या कहती है हैव यू हर्ड दैट नदर फील्ड इज लेट एट लास्ट क्या आपने सुना है कि जो नदर फील्ड पाक है वो फाइनली बिक चुकी है

इसको ये बोलता है कि हाँ अगर आप मुझे बोलना चाहते हैं तो मुझे सुनने में कोई यानी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं कोई बात नहीं आप बोल ही रहे हो तो मैं सुन लूँगा दिस वॉज इनविटेशन इनफ तो ये एक दावतनामा उसके लिए काफ़ी है कि हाँ जो बोलना है बोलते जाए बस कोई मसला नहीं है वाई माई जिया यू मस्ट नो क्यों मेरे प्यारे देखो शायद पहली बार इसने अपने पति को प्यारे कहा होगा है ना अब अपने मतलब की बात आई तो प्यारे आगे पीछे शायद झाड़ू से मारती होती है ना ओके यू मस्ट नो आपको जरूर जानना चाहिए कि मिसेस लॉन्ग दैट इज टेकन बाय यंग मैन कि मिसेस लॉन्ग ने कहा कि नेदरफील्ड पार्क को किसी एक यंग मैन ने लिया और यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड वो क्या है एक नौजवान आदमी और लार्ज फॉर्चून का मतलब है लार्ज फॉर्चून का और नॉर्थ इंग्लैंड का रहने वाला है उसने खरीदा वो वो है प्लेस क्या इस नजर पार्क को इस जगह को देखने के लिए एंड सो मच डिलईटेड इट दैट ही इससे बहुत खुश था कि वो इससे मान गया इसको लेने के लिए वो फाइनली मान गया ठीक है ये बहुत खुश था इस चीज से क्योंकि वो इसको, इसको खरीदने के लिए वो मान गया वट इज इज नैम बिंगले ये इसको बोलते हैं क्या नाम है उसका बिंगले ये कैसा नाम है बिंगले बिंगले है ना ओके इज ही मैरिड सिंगल क्या वो शादीशुदा है या सिंगल अफेयर ओ सिंगल माय डियर टू बी श्योर अरे मेरे प्यारे मेरे प्यारे पति दे वो बिल्कुल सिंगल है आप पूरे यकीन के साथ वो बिल्कुल सिंगल है अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून एक तो सिंगल मैन है ऊपर से बहुत पैसे वाला है फोर फाइव थाउजेंड एयर चार से पाँच हजार साल की आमदनी देखो उस वक्त चार से पाँच हजार बहुत बड़े अमीर इंसान के पास हो सकते थे और उसकी करेंसी पता नहीं कुछ भी हो सकती थी वहां पर इसलिए वो इसको बोलते कि चार से पाँच हजार उसके साल की आमदनी एक तो सिंगल है बहुत पैसे वाला है वाट अ फाइन थिंग फॉर आर गर्ल्स कि हमारी लड़कियों के लिए कितनी अच्छी बात है अब देखिए हाउ इसका बाद ही बोलते हैं बेचारा सीधा साधा है भोला भाला कैसे बोल रहा है वो अमीर है उसके पास पैसा है हमारी लड़कियों के लिए कैसे अच्छी बात है ये इसको बोलती है माय डियर मिस्टर बैन रिप्लाइड हिज वाइफ हाउ कैन यू बी सो टायर्ड तो इसके पत्नी चिल्लाई मेरे भोले भाले मिस्टर बैनेट आप इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो टायर सम कैसे हो सकते हो इतने लेजी बोरिंग टाइप के कैसे हो सकते है वो आप यू मस्ट नो दैट आपको ये जानना चाहिए ज़रूरी दैट आई एम थिंकिंग ऑफ हिम मैरिंग ऑन वन ऑफ देम कि मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी लड़कियों में से किसी एक की शादी में उसके साथ कराऊंगी ओके इज दैट हीस डिज़ाइन इन सेटलिंग हेयर ये इसको बोलता है क्या ये उसका प्लान है यही प्लान है उसका यहाँ सेटल होने का डिज़ाइन मतलब प्लान कि इसको बोलती डिज़ाइन नॉन सेंस हक एंड यू टॉक सो इसको बता रही वट नॉन सेंस है ना आप ऐसे कैसे बोल सकते हो उसको कोई प्लान वाला नहीं है कोई डिज़ाइन नहीं है ऐसा लेकिन बट इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि वो ज़रूर हमारी बेटियों में से किसी एक के साथ प्यार में पड़ जाएगा ऑफ देम वन ऑफ देम एंड देर फॉर यू मस्ट विजिट हिम एज सुन एज ही कम्स इसलिए आपको क्या करना चाहिए जितनी जल्दी वो आएगा आपको जाना चाहिए वहाँ विजिट करना चाहिए ये इसको बोलता no है कि मुझे उसके लिए कोई ओकेजन नहीं मिल रहा है मुझे कोई ऐसा टाइम नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वहाँ कुछ खास मुझे है ना मुहूर्त नहीं दिख रहा है कोई शुभ ऐसा कि मैं वहाँ चला जाऊँ कोई ऐसा यू एंड द गर्ल्स मेरे को हाँ आप और लड़कियाँ चले जाना है ना कोई बात नहीं मिल के आ जाना और यू मे सेंड या फिर आप उनको खुद खुद से भी भेज सकते हो विच पर बेटर फॉर यू एज आर एज हैंडसम एज एनी अपम कह रहे कि अगर आप लोग जाओगे तो मुझे लगता है पर be ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्यों इसको बताया क्योंकि यू आर एज हैंडसम एज एनी अपम कह रहे हैं कि मिस्टर बिंगले माइट है कि वो बेस्ट ऑफ द पार्टी कह रहे कि पार्टी में जितने इंसान वहाँ पर आएंगे जितने औरतें आएंगे उनमें से सबसे खूबसूरत आप लगोगे देखो हैंडसम जनरली क्या होता है कि मतलब ये माना जाता है कि मतलब बहुत सारे मानते भी इसको हैं और ये मतलब यूज़ भी होता है कि मे, मे, यानी मेल के साथ लेकिन अब फीमेल के साथ भी हैंडसम वर्ड यूज़ कर सकते हैं यानी कि उसके फिजिकल अपियरेंस को देखकर उसकी ब्यूटीफुलनेस को देखकर आप हैंडसम को वर्ड यूज़ कर सकते हैं राइट बहुत सारे पोइट्स ने बहुत सारे राइटर्स ने इसको इस्तेमाल किया है बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक्स हैं उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ यू कैन यूज दिस तो ये इसको बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो यानी कि आप वहाँ पर जाओगे पार्टी में सबसे अच्छे आप ही लगोगे है ना इसको अब क्या कर रहा है उसकी झूठी तारीफ कर रहा है तो इसकी पत्नी ये भी थोड़ी चालाक है ये कौन सी कम है तो ये इसको बता रही है माई डियर मेरे प्यारे यू फ्लैटो में क्या तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो क्या तुम मेरी झूठी तारीफ़ कर रहे हो I certainly have had my share of beauty, but my dear, you must indeed go. He says, "I have no doubt." I certainly have. i certain. i कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि पक्का इसमें कोई शक नहीं है आई हैव हैड मश ब्यूटी ठीक है ना कि मेरे अंदर क्या है ब्यूटी का जो जो ब्यूटी का जो जो हिस्सा है वो मेरे अंदर ज़रूर है यानी कि मैं इसमें कोई शक नहीं कि मैं खूबसूरत हूँ बट माई डियर लेकिन मेरे प्यारे यू मस्ट गो इन डे लेकिन फिर भी आप ही को जाना पड़ेगा एंड सी मिस्टर बिंगले मैन ही कम्स इन टू द नेभर उड जब वो नीबर उड में आएगा आपको जाना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा राइट आई डेयर से मिस्टर बंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू कह रहे कि मैं मैं डेयर से कर सकती हूँ यानी कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मिस्टर बिंगले बहुत खुश होगा आपको देख कर एंड आई विल सेंड ए फ्यू लाइन्स बाई यू है ना और मैं क्या कर सकती हूँ कुछ लाइन्स अपनी कुछ बोलूँगी कुछ बातें मैं आपको और आपके आपके जरिए से मैं भेजूँगी उसको आप मेरी तरफ से बता देना क्या बोलना टू एश्योर हिम ऑफ माई हार्ट ही कंजेंट टू मैरिंग विच एवर ही चूज इज़ द गर्ल्स कि उसको ये एश्योर करना यकीन दिलाना कि मैं कितना दिल से चाहती हूँ मेरा हार्टी कंजेंट है मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि मेरी लड़कियों में से जो जिसको वो चूज़ करेगा उससे शादी कर सकता है उसको ये मेरी तरफ से ये लाइन्स बता देना है ना <coughs> <coughs> सॉरी यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मे ये इसको बोलती है कि आप क्या कर रहे हो मुझे वैक्स करने में है ना टीज़ करते हो आप मुझे टीज करते हो और आप क्या करते हो मुझे खिजातानी करते हो सताते हो और इसमें आप मज़े लेते हो है ना यू नो हैन फैशनर्वस कह रहे कि मेरी प्रोड नर्व आपको कोई रहम नहीं है यानी कि मेरी कमज़ोरीपन पर साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी कह रहे कि मैं कितनी लाचार और बेबस हो रही हूँ इन लड़कियों के बारे में सोच सोच कर और आप क्या कर रहे हो आपको कोई रहम ही नहीं आता कोई तरस ही नहीं आता आप मुझे मज़े लेते हो इस साल इस साल में भी मज़े लेते हो ओके यू मिस्टेक मी माई डियर इसको बोलते हैं मेरे प्यारी मेरी प्यारी पत्नी आप मुझे गलत समझ रहे हैं आई हैव रिस्पेक्ट आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्वस मुझे आपकी नर्वस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है मुझे बड़ी इज्जत है दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स अरे उनके साथ तो मेरा पुराना नाता है देखो यहाँ पर भी टीजी शू कर रहा है तो ये इसकी पत्नी बोलती है आ यू डोंट नो वाड आई सफर बोलते आ तुम नहीं जानते हो मैं क्या भुगत रही हूँ है ना मैं कितना सफ़र कर रही हूँ मैं कितना भुगत रही हूँ कब सोचती हूँ इन लड़कियों की शादी हो जाए अच्छे पत्नी में अच्छे पति मिले सॉरी बट आई होप यू विल गेट ओ ओ ओवर इट लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मैं सफ़र कर रही हूँ आप इसको क्या करोगे गेट ओवर करोगे इसे एक दिन ज़रूर ख़त्म करोगे एंड लिव टू सी मैनी यंग मैन आप फोर थाउजेंड आई ईयर कम इन टू द नेबरहुड और इस चीज़ के लिए हम जिंदा रहेंगे कि बहुत सारे यंग मैन आएँगे हैं हमारे नेबर नेबरहुड में ठीक है न हमारे पड़ोस में आएँगे है न जो साल के चार हज़ार जिनकी आमदनी होगी वो बहुत सारे आएंगे इट विल बी नो यूज़ टू एस इफ़ ट्वेंटी सच शुटकम सिंस यू विल नॉट विजिट दम लेकिन इसको बोलती है कि इनका कोई फायदा नहीं है अगर इट विल बी नो यूज़ इनका कोई फायदा नहीं है इफ़ ट्वेंटी सच छुटकम अगर ऐसे ऐसे बीस में आएंगे ना तो कोई फायदा नहीं है कब तक सिंस यू विल नॉट विजिट दम जब तक नहीं तुम उनको जाके मिलो मिस्टर बैनट वज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु इट ऑन मिस्टर बिंगले अब मिस्टर बैनट का क्या था ये तो बाहर से अपनी पत्नी को बोल रहा था न नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे आप जाओ मुझे टाइम नहीं है वो कोई ओकेजन okay, नहीं है लेकिन अंदर से मिस्टर बैनट अमंग दो अर्लिस्ट में थे था उन शुरुआती इंसानों में से था उन इंसानों में से था जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे किसका मिस्टर बिंगले के आने का ये भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था लेकिन आखिरी दम तक अपनी पत्नी को ये ये भरोसा दिला रहा कि नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ओके ही हैड ऑलवेज इंटरनेट टू विजिट हम वो हमेशा से उसने क्या किया उसकी इंटेंशन रही थी कि वो जो ही मिस्टर बिगले आएगा तो मैं मिलने जाऊँगा दो टू द लास्ट टूज अश्योरिंग हिज वाइफ डैट ही शुड नॉट गो लेकिन आखिरी दम तक आखिरी लम्हे तक वो अपनी पत्नी को यकीन दिलाता रहा कि उनको नहीं जाना चाहिए ही शुड नॉट गो राइट टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वॉज पेड शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट अब वो मिस्टर बिंगले आता है ये मिल के भी आता है और शाम होने तक इसकी पत्नी को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता कि वो मिलके वापस भी आ जाता है इट वॉज एन डिस्कलोज इन द फॉलोइंग मैनर ठीक है ना <coughs> फिर नीचे जो इस फॉलोइंग मैनर से यानी कि नीचे इस तरीके से फिर इसको डिस्क्लोज किया गया इनके सामने कि वो कि मैं मिल के आ भी गया देखो कैसे डिस्क्लोज किया इस तरीके से नीचे दिया गया <coughs> observing his second daughter employed in trimming a hat he suddenly addressed her with ओके okay. ये क्या कर रहा है अपनी सेकंड डॉटर को जो दूसरे नंबर की लड़की उसको ऑब्जर्व कर रहा है और बता रहा है वो क्या एम्प्लॉयड किस में है वो हैट्स को ट्रिम करते हैं ना हैट्स को सजाने में बनाने में वहाँ पर वो काम करती है तो ही सडनली एड्रेस्ड हर विद है ना अचानक से वो उसको बोलने लगा उससे बात करने लगा क्या बोलने लगा आई होप मिस्टर बिंगलो विल लाइक इट लीजी उसका नाम लीजी होता है बोलता है कि मुझे यकीन है कि मिस्टर बिंगले इसे पसंद करेगा सॉरी वी आर नॉट टू नो मिस्टर बिंगले लाइक्स सेड हर मदर सिंस वी आर नॉट टू विजिट तो इसकी पत्नी जोर से बोलने लगी है ना चिल्ला कर बोलने लगी क्या बोलने लगी हम नहीं जानते कि वट मिस्टर बिंगले लाइक्स कि मिस्टर बिंगले को क्या पसंद है हमें नहीं पता सेड हर मदर उसकी माँ ने कहा सिंस वी आर नॉट टू विजिट जब तक नहीं हम उसको मिलेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा उसको क्या पसंद है और क्या नहीं है बट यू फागेट ममा सेट अल्जब लेकिन अलिजब्थ तब तक तो दूसरी लड़की इसको बोलती कहते कि मम्मा आप तो भूल चुके हो आप भूल रहे हो दैट वी शिल मीट हम एट द असम्बलीज कि हम असेम्बलीज तो में मिलने वाले हैं है ना हम तो उसको असेम्बलीस में मिलेंगे एंड दैट मिसिज लॉन्ग हैज़ प्रोमिज टू इंट्रोड्यूस हम और मिसिज और तो और मिसिस लॉन्ग ने तो बताया है कि वह हमें इंट्रोड्यूस करवाएगी उसके साथ आई डोंट बिलीव मिसेज लॉन्ग विल डू सच सच थिंक ये कह रही है कि मुझे यकीन नहीं है इसकी माँ कह रही है कि मुझे यकीन है कि मिसअल्ला कुछ ऐसा करेगी क्यों शी हैज टू ऑफ हर आउन कह रही कि उसको अपनी दो यानी कि एक भाई की लड़की या फिर बहन की लड़कियाँ हैं कह रही कि उसकी भी तो अपनी दो नीसीज है शी इज सेल्फिश वन अरे वो तो क्या है वो बड़ी खुदगर्ज औरत है वो कहाँ तुम्हारे बारे में सोचेगी वो उन्हीं के बारे में सोचेगी ओके मिस बैनिट बैन बिगन कॉलिंग वन ऑफ हर डॉटर मिसिस बैनिट शुरू हो गई स्कॉल्ड करना स्कॉल्ड करना होता है बुरा भला करना डांटना वो अपने उन लड़कियों में से किसी एक को डांटने लगी क्या बोलने लगी डोंट कीप कफिंग सो सोटी फॉर सेक देखा कह रहे कि देखो मुझे भी खांसी लग रही है साइन सेंटेंस आ गया ठीक है ना <coughs> बोले कि फॉर का मतलब फॉर इट इज यूज वर्ड मेटाफर एज ए मेटाफर फॉर गॉड फॉर गॉड से खुदा के लिए कि ज्यादा मत खांसते रहा करो कम से मेरी पर थोड़ा तो रहम करो थोड़ा तो मेरी लाचारे मेरे बेबसी पर रहम करे इतना खांसते मत रहा करो क्यों ये सोचते इतनी खांसते रहेगी है, है ना मिस्टर बिंगले के सामने वो इसको पसंद नहीं करेगा ऐसा डांटने लगी क्या खांसते रहते हो सुबह शाम लगे रहते हो ओके हैज नो डिस्क्रिप्शन इन हर कप्स लेकिन इसका बाप इसके फेवर में बोलता है क्या बोलता है किटी को अपने इन खांसने पर कोई कंट्रोल नहीं है जो इसको खांस है, इसको कोई कंट्रोल नहीं है और इसे कोई शौक नहीं है कि वो जानबूझ के खांसे कि ऐसा कुछ नहीं है शी टाइम्स दम इल बस वो बुरे वक्त पे वो आ जाती है उसको खुद ही तो ये क्या करे ये लोता बुरा टाइम है जी टाइम जमील बस बुरे टाइम पे उसको वो आ जाती है बुरे वक्त पे वो कर देती है खांसी ऐसा हो जाता है वरना इसको कोई शौक नहीं है और कोई कंट्रोल भी नहीं है आई डोंट कफ फॉर माई ओन अम्यूजमेंट सट किट फ्राइडफुली तो किटी नाराज़ होते हुए ज़ोर से बोलने लगी बोलने लगी मैं अपने अम्यूजमेंट के लिए अपनी खुशी के लिए नहीं खांसती हूँ अब आ जाती खांसी मैं जानबूझ के खुशी के लिए थोड़ी खांसती रहती हूँ ओके लेट्स रिटर्न टू मिस्टर बिंगले कंटिन्यूड मिस्टर बैनट ओके मिस्टर बैन कंटिन्यू करता है क्या बोलते हैं बोलते है, चले चले इस टॉपिक को छोड़ो खांसी वाँसी को साइड पे जो मिस्टर बिंगले का टॉपिक है ना चलो उस पर बात दोबारा करते हम आई सिक सिख मिस्टर बिंगले क्राइड हिज वाइफ इसकी पत्नी चिल्ला के बोलने लगी क्या बोलने लगी आह ah, मैं तो मिस्टर बिंगले की मरीज बन के पेशेंट बनकर रह चुकी हूँ उसकी सिख बनकर रह चुकी हूँ सोचते समय मिस्टर बिंगले खाते समय मिस्टर बिंगले है ना उठते समय मिस्टर बिंगले है ना मैं तो उसकी मरीज ही बन चुकी हूँ आई एम सॉरी टू हियर दैट वाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर ये इसको बोलते हो oh, मुझे माफ़ करना ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मैं सॉरी फील कर रहा हूँ तो आपने उसको so बिफोर क्यों नहीं बोला मुझे पहले क्यों नहीं बोला अगर आपने पहले बोला होता इफ़ आई हैड नोन एज मच दिस मॉर्निंग अगर ये सुबह आज सुबह ये सब मुझे पता होता आई सर्टनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम ठीक है ना तो वे पक्की बात थी कि मैं सर्टनली मैं उसको मिलने नहीं चाहता कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट टू पेड अ विजिट है ना किसी से छोटी सी मुलाकात करने के लिए मिलने जाना तो कह रहे हैं कि मैं पक्का उसको मिलने नहीं जाता बट आई हैव एक्चुअली पेड द विज़िट लेकिन मैं तो उसको मिल के आ चुका हूँ अब वी कैन नॉट स्किप द एक्वेंटेंस नाउ लेकिन अब जो हम अपनी जान पहचान छुपा नहीं सकते हैं एक्वेंटेंस होता है कैसा इंसान जो हमें मालूम तो हो लेकिन कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं हो लेकिन बस जान पहचानो मालूम हो कह रहे कि जो जान पहचान हमारी जो हो चुकी है अब उसने तो उसको तो पता लग गया मैं मिस्टर बैनट हूँ वहाँ पर रहता हूँ अब थोड़ी ना हम उसको मतलब जान पहचान छुपा सकते और नेक्स्ट टाइम दोबारा विजिट करने के लिए जाएँगे फिर मैं बोलूँगा ऐसा है से, अब क्या बनेगा अब देखो इसको बताना ये बताना चाहता था अचानक से शॉक देना चाहता था कि हम मैं तो मिलके भी आ गया अभी तक सोच सोचने मैं कब जाऊँ कब जाऊँ मिलने कब जाएगा और इसने उसको शौक दे दिया अब देखो शौक क्या दिया दastonishment of the ladies was just what you wished that a Mrs Bannister surprising the rest अब बता रहा है कि जो जो लेडीज काastonishment होते ना जो इसने विश की थी किसने मिस्टर बैनट ने जो सोचा था कि जब मैं इसको ऐसे बताऊंगा जो लेडीज़ की जो अम्यूज़मेंट वैसे होती है आई I मीन mean, लेडीज़ की जो अमेजमेंट होती है कि जब ऐसी बात तो पर लेडीज़ का रिएक्शन क्या होता है कह क्या रही कि मिस बैनट का बिल्कुल वैसा ही था जो बाकी का जो रिएक्शन जो उसने दिया ना जो जिस तरह लेडीज़ का होता है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा था बिल्कुल हाई डिग्री का था वो ठीक है सर सरप्रसंद हाई डिग्री का ठीक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था वो वो एस्टानिश हो गए बड़ी हैरान रह गई कि ये मिलके भी आ गया और क्या बोलने के देखो कैसे हाउ गुड इट आज ऑफ यू कितने अच्छे हैं आप है ना देखो शायद लाइफ में पहली बार कहा होगा अपने पति को कितने अच्छे हैं आप है ना ओके माय डियर मिस्टर बैनट कह रहे कि मेरे प्यारे मिस्टर बैनट ओह आप कितने अच्छे हो शी सेड उसने कहा बट आई न्यू आई शुड परसुएट यू एट लास्ट लेकिन अगर मैंने जाना होता मुझे पता होता सुबह कम से कम मैं आपको परसुएट करती फाइनली एट लास्ट परसुएट करती परसुएट का मतलब होता है यानी कि मैं आपको समझाती मोटिवेट करती कि वहाँ पर उसको ए बोलना वहाँ पर उसको वे बोलना ऐसा बोलना वैसा बोलना कम से कम मुझे पता होता कम से कम आपको परसुएट करती आई वाइ श्यू आर लव

दैट से फिर हम इस टू को हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं दो वर्ड लगाते हैं या लगाएंगे हम डोंट या लगाएंगे हम इट्स कैंट राइट डू नॉट या कैन क्या लगाते हैं हम right? राइट देखो कैसे यहां पर आता है आई वॉश यू लव योर गर्ल सो वेल टू को हटाए यू लव योर गर्ल्स सो वेल लगा ऑफ देट दैट यू कै नाट नेगलेक्ट यानी कि मुझे पता है कि आप लड़कियों से इतना प्यार करते हैं कि आप इस एक्वेंडेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो गँवा नहीं सकते हो इस मौके को इस मुलाकात को इस जान पहचान को आप गवा नहीं सकते हो इसलिए मुझे पता था कि मुझे पूरा यकीन था लेकिन एक्चुअली मुझको कोई यकीन नहीं था लेकिन अब ये होके मिल के आगे ना अब इसको बोलते हैं हाँ मुझे पूरा यकीन था अपने पति देव पर राइट ओके वाल, फिर बोलते हैं वेल ए गुड जोक बोलते हैं चले अच्छा है जो वह सो लेकिन मैं कितनी खुश हूँ और बोलते दूसरी तरफ सच ए गुड जोक इट इज़ ये तो और अच्छा जोक भी है इट इज़ आल्सो गुड जोक टू एक अच्छा मजाक भी कर लिया आप लोगों ने वो क्या कि दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग एंड नेवर सड ए वर्ड अबाउट इट टिल नो कि आप इस सुबह वहाँ मिल के भी आ गए हैं और आप वहाँ से मिल भी आ जाते हैं और अभी शाम होने तक अभी तक एक वर्ड मुझे नहीं कहते ये तो बड़ी अजीब तो अच्छा जोक भी है ओके ना कि यू मई कफ एज मच एज यू चूज सेड मिस्टर बैनट अब मिस्टर बैनट कहता है अब की जितना मर्जी है ना खांसते रहो सुबह से शाम तक लगे रहो जितनी खांसें अब कोई टेंशन नहीं है एंड एज यू स्पोक ही लव द रूम अब मजाक में कहते बात कहते बात करते कहते चल रहा है और ये कहते वो दरवाज़े से बाहर निकल जाता है कमरे से बाहर निकल जाता है वट एन एक्सलेंट फादर यू हैव गर्ल सेट मिसिज बैनट द डोर वॉ शट जब वो निकल जाता है दरवाजा बंद कर लेते हैं दरवाजा को लॉक कर देता है ना तो फिर मिसिज बैनट क्या कहती हैं? आपका बाप लड़कियों क्या बोलते हैं कि आपका बाप जो फादर है वो कितना एक्सीलेंट है देखो पत्नी है ना कभी तारीफ़ नहीं करनी है उसको अपनी पति के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया उसने फिर बोला पीठ के पीछे कि एक्सीलेंट है सामने बोलेंगे ना रहा है काम का नहीं कुछ नहीं है ना ऐसे इसलिए मतलब वो चलाया गया तो उसके पीछे बोला नहीं आपका बाप कितना एक्सीलेंट है अब देखो ये आपको पता लगाओगे जो टाइटल इसका चैप्टर का है ये बिल्कुल सूटेबल है देखो आखिरी लाइन यहाँ पर इस चैप्टर की है कि उसका बाप एक्सीलेंट है कैसे एक्सीलेंट था क्योंकि पहले तो उसने बोला मैं नहीं जाऊँगा है ना अपनी पत्नी को टीज किया ठीक है फिर वो मिल भी आ गया उसको खुद भी इतना वो मतलब केयरफुल था अपनी लड़कियों के बारे में मिल आ गया वापस आ गया फिर अपनी पत्नी को बोला इसने इसको बोला आपका बाप क्या है बहुत ही एक्सीलेंट है इसलिए यहाँ पर ये दिया हुआ ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कोई अगर क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो पे आपको बात करनी होगी कोई नेक्स्ट लेक्चर आपको चाहिए होगा जल्दी वो हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मैं उसी को प्रिपेयर करूंगा ओके okay, विश्वास